डीके शिव कुमार की एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और उस फोटो के द्वारा अब यह आसार दिखने लगे हैं कि क्या डीके शिव कुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं या फिर डीके शिव कुमार बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ऐसी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन मामला क्या है आपको बताते हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस एम कृष्णा से मुलाकात की। अब इस दौरान डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एस एम कृष्णा के पैर छू करके आशीर्वाद लिया। बता दें दोस्तों यहां पे आपको कि डीके शिव कुमार की बेटी की शादी एस एम कृष्णा के पोते से साल 2021 में हुई थी। इसके अलावा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में राज्य विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से भी मुलाकात की। इसको लेकर के चर्चा सोशल मीडिया पे होने लगी है कि डीके लगता है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ ये अटकले और अफवाह है। मगर डीके डिप्टी सीएम तो हैं, वो डिप्टी सीएम तो बन गए हैं, मगर नाम के इनको बहुत सारे हक नहीं दिए गए। ट्रांसफर पोस्टिंग तक नहीं कर सकते हैं डीके शिव कुमार। अब डीके इस कदम से बहुत ज्यादा उदास हैं। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या बगावत करेंगे डीके शिव कुमार। एक और बयान दिया था डीके ने कि खड़गे को सीएम बना दो मगर सिद्धारमैया के अंडर में काम नहीं करूंगा। डीके खुश नहीं है इस सरकार से। आगे जाकर के क्या डीके शिव कुमार कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, तो पूरे जनता की नजर इस पे है। बहुत सारे लोग जो कांग्रेस में है वो भी खुश नहीं है डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद। लगता है कि आगे जाकर के ये कर्नाटक में कोई बड़ा राजनीति भूचाल देखने को मिल सकता है।